तो गाइज़ क्या आप भी चाहते हैं जब भी आपकी कोई भी कॉल आए तो दोस्तों यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन खुद आपको बोलकर बताए कि किसका फ़ोन आ रहा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक सेटिंग्स बताऊंगा जिसे आप इनेबल कर देंगे तो यहाँ पर जिसका भी फ़ोन आएगा और आपके कॉन्टेक्ट में नाम उसका सेव होगा तो मोबाइल खुद बोलकर बताएगा कि इसका फ़ोन आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आपका अननोन नंबर है तो वहाँ पर आपको नंबर भी बताएगा, साथ ही गाइज अगर आपका कॉन्टेक्ट में नाम सेव है तो उसका नाम बताएगा, नंबर भी बताएगा, साथ ही गाइज जो आपकी डायल टोन लिंक टोन है वो भी यहाँ पर बजेगा। तो दोस्तों कैसे ये आपको सेटिंग्स करनी है जान लेते हैं इस वीडियो में। तो गाइज वीडियो को फटाफट लाइक कर देते हैं, उस चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने डायल पैड को ओपन करना है। दोस्तों जैसे यहाँ पर अपने डायल पैड को ओपन करते ही कॉर्नर में 3 डॉट आपको देखने को मिला है, इस पर आपको क्लिक करना है। कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर जाना है। सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है, नीचे की ओर आपको आना है और यहाँ पर आपको कॉलर आईडी अनाउंसमेंट के नाम से सेटिंग्स देखने को मिला है, सिंपली इसी पर आपको क्लिक कर देना है गाइस। देन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अनाउंस कॉलर आईडी का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 3 ऑप्शंस में से यहाँ पर आपको ऊपर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ऑलवेज पर। दोस्तों जैसे ऑलवेज पर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर जो भी आपका इनकमिंग आएगा, अगर आपकी कॉन्टेक्ट में नाम सेव है तो उसका नाम बोलेगा, नंबर बोलेगा और यहाँ पर आपका डायल टोन भी बजेगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप ज़्यादातर ईयरफोन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर ओनली वेन यूजिंग हेडसेट कर सकते हैं, जो कि आपके ईयरफोन के अंदर नंबर बोलेगा, उसके बाद नाम भी बोलेगा और टोन भी बजेगा। तो ज़्यादातर ईयरफोन कुछ ही कम लोग यूज़ करते हैं, ओनली यहाँ पर आपको जो है ऑलवेज पर ही रहने देना है। दोस्तों ऑलवेज पर रहेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपका नंबर नाम जो भी है सारी चीज़ें आपको मोबाइल खुद बोलकर बताएगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप कहीं खाना खा रहे होते बैठे और आपका फ़ोन दूर बैठ रखा हुआ था और आप किसी काम में या बिज़ी हैं तो दोस्तों यहाँ पर इससे पता चल जाता है, अगर आपका इम्पोर्टेंट कॉल है तो आप उठा सकते हैं, अगर आपका इम्पोर्टेंट कॉल नहीं है तो आप नहीं उठा सकते हैं। तो गाइज़ ये जानकारी आपको कैसी लगी है, अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए।